रिनवाल जयपुर में पत्रकारिता महोत्सव 2018 सम्पन्न। रविवार 11 नवंबर खटीक धर्मशाला में पत्रकारिता महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर राष्ट्रीय वक्ता श्याम सुंदर शर्मा खाटू श्याम जी ने सामाजिक सरोकार तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकार व्यवस्था की दलित तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहित कार्यों नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व पर मन निर्वाह ही सार्थक पत्रकारिता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा पाया स्तंभ भी कहा जाता है। शर्मा ने कहा, आगे कहा कि भारत देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जनमानस के सामने सही रूप से रखने का काम पत्रकारिता करते हैं, इसलिए सही मायने में यह तीनों स्तंभ पत्रकारिता पर ही टिके हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए धर्मेंद्र सिंह शेखावत ने मौजूदा पत्रकारिता की दशा और दिशा पर विस्तार से अपनी बात रखी। समारोह में बतौर विशेष अतिथि के रूप में आल इंडिया संगठित समाज प्रदेश उपाध्यक्ष नेमी चंद समरिया, भगवान सुहाय यादव, ब्यूरो चीफ शेष कृष्णनाथुलाल मनोहर भामाशाह, यू प्रॉपर्टी डीलर हंसराज बाकुलिया भामाशाह, राजेंद्र बाकुलिया ने संबोधित किया। समारोह में दाता रामगढ़ पत्रकार समिति जो समिति तो अध्यक्ष सीताराम मणि मीणा, प्रमोद स्वामी खाटू श्याम जी, हेमंत वर्मा दाता रामगढ़ व हितेश जैन मारोट ने वर्तमान समय में पत्रकारिता की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम आज किशनगढ़ बेनवाल में प्रथम प्रश्न स्तरीय पत्रकारिता महोत्सव 2018 का आयोजन खटीक समाज धर्मशाला वाक्य बालाजी के पास आयोजित किया गया, जिसके पीछे पत्रकारिता से जुड़े हुए तमाम उन साथियों को सम्मानित करना था जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके समाज के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता के साथ करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमने रेनवाल तहसील के साथ साथ सीमांत तहसीलों के जैसे दातारामगढ़, नावा तहसील से भी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु पधारे और लगभग 40 पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। और